जानवरों के लिए अलग रूम पर अपने बूढ़े बाप के लिए कबाड़ रूम। पत्नी के अंतिम संस्कार व तहरवी के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में आए हुए हैं। सुनील बहुत मनुहार के बाद यहां ला पाया है, यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु माँ ही बाबूजी को यह कह कर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की जिंदगी में दखल देने चलेंगे। यही ठीक है, सारी जिंदगी यही गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यही रहकर काट लेंगे, ठीक है ना? बस बाबूजी की इच्छा मर जाती। पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी, इसलिए मनोहर बंबई आ ही गए हैं। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही मनोहर ठिठक कर रुक गए। गुदगुदी मेट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे हैं। उनके दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर सुनील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता ना करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए मनोहर जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई, अरे रे, मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गद्दी अंदर तक धस गई थी। इससे मनोहर चहक कर चीख पड़े। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बापूजी आइए, आपको घर दिखा दूं अपना। जरूर बेटा, चलो। बापूजी, यह है लोबी जहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय, नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ यह भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, यह शहर है और शहरों में मुंबई है। यहाँ बच्चे को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया आकर कर जाती हैं। थोड़ा ठहर कर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में यह गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यही ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे, सुनील ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती हैं और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वह उन्हें वहां अकेला छोड़ सरपट नीचे जा चुका था। मनोहर उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि कैसा यह घर है जहां पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था वहाँ। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहाँ भी नहीं थे। वह झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ था। उधर मनोहर टिकट लेकर गांव वापसी के लिए
सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी और घर पहुंचकर चैन की सांस ली। दोस्तों, जीवन में अपने बुजुर्ग माता पिता का उसी प्रकार ध्यान रखें जिस प्रकार माता पिता बचपन में आपका ध्यान रखते थे, क्योंकि एक उम्र के बाद बचपन फिर से लौट आता है। इसलिए उस पड़ाव पर व्यस्त जिंदगी में से समय निकालकर उन्हें भी थोड़ा समय दीजिए, अच्छा लगेगा। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।